ऑडियंस ने फिल्म को लेकर, कहां देख सकते हैं फ्री में आप ये फिल्म। टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मृणाल ठाकुर ने अब बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा पैर जमा लिया है और एक के बाद एक दमदार फिल्में दिए जा रही हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी फिल्मों की सिलेक्शन को लेकर काफी चूजी हैं। वो कोई भी फिल्म साइन करने से पहले कई बार सोचती हैं और यही कारण है कि जब से मृणाल फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, तब से उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म ली है। एक्ट्रेस अपनी एक नई शॉर्ट फिल्म जहान को लेकर आ रही हैं, जिसमें उनका किरदार काफी अलग है। मृणाल की इस फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अनबॉक्स फिल्म्स के निर्माता संजय शर्मा ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, जहां हमारे सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये शॉर्ट फिल्म एक बहुत ही मासूम लेकिन दिलचस्प प्रेम कहानी बताती है, जो निश्चित रूप से दर्शकों का मनोरंजन करेगी। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक युवा जोड़े गजल और इंदर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरी तरह से प्यार में है। अपने वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए वो एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब उनका रियल एस्टेट ब्रोकर एक नया किराएदार खोजने के लिए जाता है और इंदर और गजल का घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता है। अमेज़न एडवर्टाइजिंग के प्रमुख गिरीश प्रभु ने कहा, हम उन कहानियों को बताने में विश्वास करते हैं जो बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अच्छी तरह से गूंजती है और जहां एक ऐसी पेशकश है जो दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ेगी। जबरदस्त ऑन स्क्रीन प्रदर्शन ने शॉर्ट फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में कई पुरस्कार जीतने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें हॉलीवुड गोल्ड अवार्ड्स, द गैंगटॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्माता का पुरस्कार भी शामिल है। इसे द स्टैंड अलोन फिल्म फेस्ट अवार्ड और द न्यूयॉर्क फ्लैश फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक रूप में भी चित्रित किया गया है। 17 मार्च को रिलीज हुई इस शॉर्ट फिल्म में सभी को मृणाल और अविनाश की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन वहीं कुछ का कहना है कि फिल्म की कहानी एक समय पर आकर काफी प्रेडिक्टेबल है और शुरू से ही कहानी का बेस दोनों के रिलेशनशिप पर ही है। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।